गुड मॉर्निंग व्लॉग। अभी सुबह की 9:30 बज रही है। अभी उठते पापा और ने कहा मार्केट जाओ, सामान ख़त्म हो रहा है लेके आओ। बहुत सारा सामान लाना, बस टेंशन ही है कोई पुलिस वाले पकड़े ना। पकड़ेंगे तो ज़्यादा सवाल जवाब होएगा। चलते मार्केट आया था, लेकिन मार्केट ऐसा साफ हो रखा है ना, बैकग्राउंड दिखाता हूँ। साफ मार्केट तो मैंने देखा ही नहीं पहले, यहाँ का क्लीन, एक भी सब्जी वाला नहीं यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं मार्केट से आ रहा था, शायद दुकान तो बंद, कुछ मिला ही नहीं। मैं जैसे तरबूज लिया, ओ भैया 2 दिन पहले पुलिस वाले से ठुके पड़े थे, वहीं पर खड़े होके तरबूज बेच रहे। मैंने कहा यार अभी तो पुलिस की गाड़ी आई है यहाँ से, तुम क्या कैसे खड़े हो? वो क्या कहीं खुले लेने ही आता तो नहीं था वो दुकान पर। अब डर गया बहुत भयंकर, मैं से पूछ रहा अब क्या करो भाई, कहाँ से निकले वो पुलिस आ रखे भाई, 2 दिन पहले मार खा के वहाँ खड़ा है, उसी जगह पे खड़े होकर वापिस बेच रहा है तरबूज। अभी हम बना रहे नाश्ता, नाश्ते में है हमारे पास आज ब्रेड विद दूध। अभी नाश्ता क्या है, हमारे घर में भी तबियत खराब चल रही है सभी की, लगभग लगभग मेरी बहुत ठीक चली रहा है सबको। अगर 1-2 दिन और रहता है तो टेस्ट वेस्ट कराएंगे। था आज ब्लॉग नहीं डाला, तो ये ब्लॉग अगर एडिट हो जाए, ये मेरा पुराना पेंडिंग ब्लॉग है, इसको डालने की परमिशन मेरे को नहीं मिल रही थी, तो परमिशन मिल गई है। हम गए थे घूमने, अगर ये हो जाता है तो आप अभी देख लोगे, यानी 1 दिन पहले हम गए थे घूमने, वहाँ का ब्लॉग है। कुछ रीजन की तरह से हम नहीं डाल पा रहे थे, इसको लेता हूँ मोबाइल में एडिट करता हूँ, होता है तो। यार ये कैसे होता है यार, मैं सोच रहा था इसको लेके एडिट भी कर दूँगा, यहाँ 50 मिनट कह रहा है यार, आधा घंटा तो मुझे बैठे बैठे हो गया है भाई। इतनी मैंने भाई फ़ोन से बनाया था यार, कोई DSLR से नहीं बनाया था, इतनी हाई फाई फाइल है, फिर ये दिक्कत आ गई भाई। बस फ़ोन से बनाया था मैंने, इतना हाई फाई नहीं है, उसके लिए 600-700 MB होगा। टाइम पास करते करते पेंटिंग बना लिया हमने, दिखाऊँ क्या ये, एक सेकंड फुर्ते देखो, फुर्ते पेंटिंग करने की फुर्ते देखो, बस होने वाला है, टेंशन है, एक सेकंड हम दिखेगा ही बता मता यार। सब्सक्राइब, मुझे 1 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन अब तो कॉपी नहीं आया यार, मैंने कब इसका काम शुरू होगा, अब तो मेरे को भी नींद आ रही है। नहीं आज का दिन ना बोरिंग जा रहा है, तनी ब्लॉग भी अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे ढीला ढाला ब्लॉग जा रहा है, पीछे तो घर वाले भी सो गए मेरे से। अभी भी ये कह रहा है कि 26 मिनट लगेंगे, ये चाहता क्या है, ये शायद यहाँ पाए गए। अभी बाहर आया, बाहर का मौसम, बारिश आने लगी वापस, गेहूँ भी सुखाए थे हमने तो वापस समेटने पड़े सारे, मौसम हो गया मस्त। बारिश आती ना चाहते हुए गर्मी छोड़ जाती है, थोड़ी सी बारिश आती ना जो वो गलत आती है, क्योंकि सारी हीट ऊपर आ जाती, आ रही तेज़ आने वाली, चलते हैं। बारिश बहुत है, आगे जा रहा हूँ अंदर। तो टाइम हो चुका है, 9 बज चुकी है, अभी हम खाना खा रहे हैं। खाने में है आज सोयाबीन की सब्जी, रोटी और गरम गरम दलिया। आज के दिन तो काफ़ी फीका फीका गया, नॉर्मल घर वाले सारे ढेर हो रखे, ढेर आने की बीमार फोन आ रहा है लग रहा है, क्या पता वायरल भी हो सकता है। नमस्कार मनु, देखते हैं अगर 1-2 दिन और रहता है तो चेकअप कराएंगे। वैसे हमने क्या गरम मतलब ठंडा खाना ज़्यादा खा लिया था, मम्मी कह रही थी कि मैंगो शेक बहुत ठंडा पी लिया था हमने,
अब बंद कर चुके हैं सब, वही नॉर्मल एकदम नॉर्मल खाने में आ गया। वो होता है ना जब मार पानी पड़ता है तो नॉर्मल हो जाता है, वो सीन मिलते हैं खाना खाने के। थोड़ा ये खा लो, मैं आज बिल्कुल चाइनीज स्टाइल में काटने वाला हूँ इसको, देखते हैं करता नहीं करता। वायर खड़ी है ये तरबूज में ना सबसे बेकार चीज़ क्या लगती है, बीज। इसके बिना भाई अगर ये ना होना यार मज़ा आ जाए, नेक्स्ट लेवल हो जाए तरबूज। जी मुझे पता क्या लगता है, अगर तुम वॉशरूम जाओ वॉशरूम में तुम्हें छिपकली मिल जाए भाई, ऐसी वैसे छिपकली रंग बदलने वाली भाई, ऐसे काली काली छिपकली कहाँ से आती है भाई, वो भी सारी वॉशरूम में ही लेना है इनको। मुझे बिल्कुल इनकी आदत पसंद नहीं है, कोई कांटेक्ट करता हो तो बताना, समझा देना इनको। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड जरूर बनाए, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।